नमस्कार, मैं हूं धरा पांडे। आप देख रहे हैं newstracklive.com। जब हम लोग स्कूल से घर लौटा करते थे तो एक आदत सारे बच्चों में शुमार हो गई थी। वो आदत थी शॉर्टकट ढूंढने की। शॉर्टकट यानी वो खुफिया रास्ते जो घर तक पहुंचाते हैं, और जिसको जितने खुफिया और छोटे रास्ते पता होते थे वो उतना ज्यादा कूल समझा जाता था। कई बार आपस में आपने भी कहा होगा कि इसको शहर की सारी गलियां पता हैं। जिसको सारी गलियां पता होती हैं वो बहुत कूल समझा जाता है, मतलब उसने बहुत घूमा फिरा है। बहरहाल, मैं बात कर रही हूँ शॉर्टकट की। हम छोटे रास्ते ढूंढने के आदि हो चले हैं। स्कूल से घर तक का रास्ता तो फिर भी ठीक था, हम हर काम में छोटे रास्ते ढूंढने लगे। हम जब पढ़ाई में छोटे रास्ते ढूंढने लगे तो हमने कुंजियों का सहारा लिया। कुंजी की 20 क्वेश्चन, अलग अलग नामों से अलग अलग पुस्तिकाएं आती थी, छोटी छोटी पुस्तिकाएं जिनमें छोटे से क्वेश्चन होते थे, छोटे से जवाब होते थे, सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स हुआ करते थे, और हमें ऐसा लगता था कि हम इन्हें पढ़ के पूरा सिलेबस फटाफट जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। और उस जल्दी की वजह से हमने कुंजियों का सहारा लिया। कुंजियाँ हमारा काम आसान बना रही थी, ऐसा हमें लगता था। दरअसल टेक्स्ट बुक से हम निजात चाहते थे, हमें लंबा पढ़ने की आदत नहीं थी। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता है कि ये क्रैश कोर्सेज और कोचिंग क्लासेस का जंजाल किस तरह हमें मतलब हमारे बच्चे को और पेरेंट्स को घेर रहा है। हम अपना समय, अपना दिमाग दे रहे हैं उन लोगों को जिनका ये बिजनेस है, जिनका ये धंधा है। आज फिर आपके सामने कुछ पढ़ाई की बात लेके बैठी हूँ। ये पढ़ाई की बात क्यों? ये पढ़ाई की बात इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम्स सर पर हैं। कुछ बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और कुछ के होने वाले हैं। बोर्ड एग्ज़ाम्स सर पर हैं, जिनका हवा न जाने कब से बना हुआ है, न जाने कब तक बना रहेगा। मार्केट में क्रैश कोर्सेज आ चुके हैं, पहले से आ चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम का वक्त नज़दीक आता है क्रैश कोर्सेज की बहार आ जाती है। हम बच्चे को दड़ाते हैं, यहाँ का टेस्ट पेपर सॉल्व करो, वहाँ का टेस्ट पेपर सॉल्व करो, यहाँ क्रैश कोर्स का एग्ज़ाम दो, वहाँ भी दो, सब तरफ दौड़ाते हैं। हम चाहते क्या हैं उससे? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया की 2013 की रिपोर्ट ये कहती थी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का बिजनेस उस साल 1.41 लाख करोड़ का था, जो कि उन्होंने ये भी कहा था कि 2015 में बढ़कर 2.39 लाख करोड़ का हो जाना चाहिए। यानी हर साल लगभग 35% की दर से कोचिंग इंडस्ट्री बढ़ रही है। अब ये तो 2013 की रिपोर्ट थी, उसके बाद ऐसी कोई रिपोर्ट आई नहीं है, या आई भी होगी तो बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं होगी, हम लोग की नज़रों से ओझल हो गई हो। लेकिन 2013 से 2019 आ चुका है, आप अपने आसपास देख रहे हैं कि किस कदर कोचिंग इंडस्ट्रीज फल फूल रही हैं। 35% की दर तो उन्होंने कही थी, कितनी तेज़ी से फल फूल रही हैं ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और इस बात का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपनी गाढ़ी कमाई का कितना हिस्सा आपने इन कोचिंग इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड कर दिया है। बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है, एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं। जैसे जैसे एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं दोनों की हार्ट बीट बढ़ती जा रही है, दोनों की मतलब बच्चों की और पेरेंट्स की। तो आप अपनी तबीयत ठीक रखें, बच्चे की तबीयत ठीक रखें, और आदत डालें कि शॉर्टकट को अपनाना छोड़कर वो टेक्स्ट बुक की तरफ जाए। कभी भी एग्ज़ाम्स में, किसी भी एग्ज़ाम में टेक्स्ट बुक से इतर कोई सवाल नहीं पूछा जाता। ये फंडा पहले टीचर्स बताया करते थे, आजकल पता नहीं क्यों कोई नहीं बताया करता। तो आप अपने बच्चे को आदत डालें कि वो टेक्स्ट बुक को बार 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 पढ़े। निश्चित तौर पर यह उसे एग्ज़ाम में काम आ जाएगा, लेकिन उसको क्रैश कोर्सेज की तरफ बढ़ावा देना, कुंजियों की तरफ, कीज की तरफ बढ़ावा देना, ये एक सही प्रैक्टिस नहीं है, और उससे आप अपना समय, अपना दिमाग और अपना पैसा दोनों बचा सकते हैं। और ज़्यादा खबरों के लिए बने रहें newstracklive.com के साथ। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।